नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के दोस्तों, जो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगी। महिलाओं के शरीर के ये हिस्से करते हैं उन्हें उत्तेजित, इस संबंध में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, उत्तेजना वाले अंग, महिला और पुरुष दोनों के शरीर में उत्तेजित करने वाले कई अंग होते हैं। यह अंग यौन संबंध के लिए उत्तेजित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अंग बहुत ही संवेदनशील होते हैं और इनको छूने मात्र से ही ये हिस्से उत्तेजित हो जाते हैं। यौन संबंध में चरम प्राप्ति के लिए इन अंगों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा इन अंगों को छूकर आप आसानी से अपनी महिला मित्र को उत्तेजित कर सकते हैं। कान, महिलाओं को उत्तेजित करने वाले अंगों में कान सबसे प्रमुख हिस्सा है। दरअसल कान के चारों ओर चैतन्य नसों का जमावड़ा होता है, जो महिला को उत्तेजना के प्रति अतिरिक्त चैतन्य बनाती है। अपनी उंगलियों से उनके कानों को हल्के से सहलाइए या खींचिए। कान के पीछे के हिस्से को चूमकर भी आप उनको उत्तेजित कर सकते हैं। कानों में फूंक मारने से भी महिलाएं उत्तेजित होती हैं। होंठ, चूमना किसी महिला के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। होंठ उत्तेजना पैदा करने वाले नसों से लबरेज होते हैं। धीरे धीरे महिला को किस करके आप आसानी से उसे उत्तेजित कर सकते हैं। दरअसल होंठ सेक्स संबंध बनाने से पहले चुहलबाजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आप चुंबन के कई तरीकों को आजमा कर अपनी महिला मित्र को रिझा सकते हैं। गर्दन, गर्दन को चूमना, सहलाना, सौम्य तरीके से काटना और हल्के से थपथपाना उसको सिसकने के लिए मजबूर कर देगा। गर्दन भी महिला को उत्तेजित करने वाला प्रमुख अंग है। गर्दन में उंगली से आराम से सहलाकर भी आप अपनी महिला मित्र को आसानी से उत्तेजित कर सकते हैं। कंधे, कई महिलाओं के कंधे में चूमना, आलिंगन करना भी उनको काफ़ी हद तक उत्तेजित कर देता है। गर्दन की तरह ही कंधे में कई संवेदनशील नसें होती हैं जो उत्तेजना को बढ़ाती हैं। आप आराम से अपने पार्टनर को कंधे को चूमकर उसे यौन संबंध के लिए उत्तेजित कर सकते हैं। सिर, सिर भी उत्तेजना को बढ़ाने वाला प्रमुख हिस्सा है। सिर पर तेल से मालिश करने से महिला उत्तेजित हो जाती है। कई शोधों में भी यह बात सामने आई है कि सिर पर मालिश करने से तनाव दूर होता है, साथ ही रक्त का संचार अच्छे से होता है और दिमाग को आराम मिलता है। इसके कारण दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्त्राव होता है। यह उत्तेजना बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। घुटने के नीचे के पैरों के पिछले हिस्से भी महिलाओं के अतिरिक्त संवेदनशील अंगों में से एक होता है। इन अंगों पर ऑयल मसाज करने, चूमने और उंगलियों को फिराने से भी महिलाएं उत्तेजित हो जाती हैं। तो आप महिला पार्टनर को उत्तेजित करने के लिए शरीर के अन्य हिस्सों की तरह घुटने के नीचे के हिस्से को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उंगलियाँ, महिलाओं की उंगलियाँ भी बहुत उत्तेजक होती हैं, लेकिन लोगों का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता है। उंगलियों के पोरों को हल्के से सहलाते हुए दबाने से महिलाओं में तेजी से उत्तेजना का संचार होता है। उंगलियों को सहलाते हुए आप उन्हें होठों से चूम सकते हैं। इससे आपका प्यार गहरा तो होगा ही, साथ ही आपका साथी यौन संबंध के लिए उत्तेजित भी होगा। तलवे, महिलाओं के पैरों के तलवे बहुत ही संवेदनशील होते हैं। उन पर गुदगुदी करने से महिलाएं बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं। महिलाओं के पैरों से सहलाकर आप उनमें गुदगुदी कर सकते हैं। इससे उनको बहुत अच्छा लगेगा। इस गुदगुदी से आपका और आपके पार्टनर का तनाव भी दूर होगा और यह तरीका आप दोनों को खुश रखेगा। कोहनी के अंदर की तरफ चूमने से महिलाओं में हल्की उत्तेजना का संचार होता है। कोहनी के अंदर के तरफ की त्वचा बहुत कोमल और संवेदनशील होती है। इस जगह हल्के से सहलाते हुए आप इनको चूम सकते हैं। इससे आनंद की अनुभूति होती है और इससे महिला उत्तेजित भी होती है। हथेलियाँ, यह सभी जानते हैं कि आप अपने हाथों से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यह आपको शायद ही पता हो कि महिलाओं की हथेलियाँ भी बहुत संवेदनशील होते हैं और उनको इसके जरिए आसानी से उत्तेजित किया जा सकता है। आप अपने साथी के हथेलियों में अपनी उंगलियों से चुहलबाजी कीजिए, हथेलियों में गुदगुदी कीजिए और हथेलियों को चूमिए। ये तरीके आपको चरम सुख दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों।
तो इस प्रकार से देखा दोस्तों आपने कि अपनी महिला मित्र को आप उनके किन किन पार्ट्स को कैसे टच करके या चूम करके उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे कि वो चरम को प्राप्त होंगी, उन्हें चरम सुख प्राप्त होगा। दोस्तों अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।